जनपद मुरादाबाद में यूनाइटेड फार्म ऑफ बैंक यूनियन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहले भी काफी बार धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कमिश्नर कार्यालय के ठीक आगे इलाहाबाद बैंक के नीचे एक बार फिर सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर 2 दिवसीय धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन का निर्णय ले रही है उस पर पुनः विचार करें और इस प्राइवेटाइजेशन बिल को सरकार ना लाए। जानकारी देते हुए संगठन की पदाधिकारी सुरभि शर्मा ने कहा कि आज हम सभी 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार ने जो ये प्राइवेटाइजेशन का निर्णय लिया है इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इस तरह के बिल को नहीं लाना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होने पर हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। बंद करो, निधिकरण नहीं, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। जोर से इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 यूनियन एकता जिंदाबाद, 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 बैंक एकता जिंदाबाद। सुरभि शर्मा, कैनरा बैंक। आज हम यहाँ पर एकत्र हैं, इंडियन बैंक, अलाहाबाद बैंक के नीचे यहाँ सब एकत्र हुए हैं। सारे बैंकों के बैंकर्स मिलकर यहाँ पे UFU जो हमारी संगठित यूनियन है उसके बैनर तले हम सारे एकत्रित होकर यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और ये 2 दिवसीय हमारी हड़ताल जो है वो आज यहाँ पर 16 और 17 दिसंबर को की जा रही है। हमारी सरकार से यही मांग है जो प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि बैंक जो सरकारी बैंक है वो पूर्ण मुनाफा कमा रहे हैं। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो नुकसान में हो, बशर्ते कि जो भी हमारा NPA है जो उद्योगपतियों को दिया गया है उसको आप जो वापस लाने में जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसको अगर आप वापस ले आए हमारी NPA राशि को, तो हमारे सभी बैंक जो हैं वो सरकारी बैंक जो हैं वो पूर्ण मुनाफा कमा रहे हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जब सरकारी बैंकों के द्वारा आप जनता तक पहुंचा रहे हैं तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन क्यों? पहले भी आप प्रदर्शन कर चुके हैं, आप भी आप करना है, मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही, क्या मानती हैं सरकार की गलती है, क्या मानती है? हाँ, सरकार इसमें मुझे लगता है एक बार पुनर्विचार उनको करना चाहिए। और देखिए, हमारे किसान भाई भी धरने पर बैठे थे, उनकी मांगे भी मानी गई हैं। आज हम सिर्फ बैंक से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बैंक जब हमारे पूर्ण मुनाफा कमा रहे हैं और सरकारी बैंक ही सारी नीतियों में आपकी जितनी भी रणनीतियां हैं उनको कारगर करने के लिए आप सरकारी बैंक, आप कौन से प्राइवेट बैंक के थ्रू जनधन खाता खुलवा रहे हैं, आप कौन से प्राइवेट बैंक से जो APY योजना है, अटल पेंशन योजना को लाभान्वित करवा रहे हैं, आपकी कौन सा बैंक जो है वो जीवन ज्योति बीमा योजना कर रहा है, सुरक्षा बीमा योजना कर रहा है, जब सारी की सारी सरकारी योजनाओं को हमारे सरकारी बैंक के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन क्यों? तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और भी जो जरूरी पड़ेगा हम हड़ताल भी करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। और हम बैंक से सरकार से यही हमारी मांग है कि इस पर संशोधन बिल को एक बार पुनः वो सोचे और ये जो संशोधन बिल ला रहे हैं इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसे ना लाया जाए।